हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। आज मैं ऐसे टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा जो कि बहुत मुझे लगता है कि ये जरूरी है। वो टॉपिक है व्हाई नॉट जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है जिसमें कई सारी चीजें ऐसी बनती हैं कि लोग जर्मन शेफर्ड को अब क्यों अवॉइड कर रहे हैं और उनको क्यों अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये इसमें दोनों चीजें हैं। जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली ब्रीड है और आज भी है और पहले भी है थी। और तब से जर्मन शेफर्ड इंडिया में, जब से जर्मन शेफर्ड है तब से मुझे समझ है डॉग्स की। तब से हमने छोटे, तब हम थे, हमने डॉग रखे, हमें जर्मन शेफर्ड बहुत पसंद आता था। जर्मन शेफर्ड हम कोशिश करते थे कि यार जर्मन शेफर्ड हम अपने पास रखें, क्योंकि हमें तो उस टाइम जैसा मिलता था रख लेते थे। जर्मन शेफर्ड को लोग अब इतना पसंद तो आज भी करते हैं, मगर उतना पसंद नहीं करते जितना पहले करते थे। ऐसा क्या हुआ? और ये जो ब्रीड है, ये उन लोगों को जो पसंद नहीं करते थे और जो आज भी पसंद करते हैं, तो उन लोगों को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस ब्रीड से दूर जा रहे हैं और अब वो पसंद करते हैं मगर उनको एक अच्छा डॉग नहीं मिलता, या जो चीजें हैं, वो आज इस टॉपिक पे आप लोगों से कंप्लीट बात करूंगा। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ये एक अच्छा वीडियो होगा मुझे ऐसा लगता है। एक एक टॉपिक पे बात करेंगे हम। देखो, जर्मन शेफर्ड जो है इंडिया में काफी पुरानी ब्रीड है और इसको रॉयल ब्रीड भी कहा जाता है। बिल्कुल एकदम रॉयल टाइप की ब्रीड। इसका जो लुक है और इसकी जो प्रेजेंस है, वो मतलब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जर्मन शेफर्ड को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, ये एक अलग ही लेवल का डॉग है और इसका लेवल अलग है। इसका रीजन है कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है, एकदम बुल्फ की तरह लगता है, साइज बड़ा है, छोटी जगह में भी रह लेता है, बड़ी जगह में भी रह लेता है। खाने को लेके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गार्डिंग बहुत अच्छी करता है ओनर की, ट्रेनिंग्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब सारी चीजें ओके हैं तो फिर लोग इसको पसंद क्यों नहीं करते? अब इसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया में बहुत टाइम से ब्रीडिंग हो रही है जर्मन शेफर्ड की, एक लंबे टाइम से, और यहां पे पेडिग्री जो है, जो ब्लड लाइंस होती हैं उनको संभाल के रखने का एक संस्था है। अगर मैं एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताऊं तो केसीआई, केनल क्लब ऑफ इंडिया है। मैं ये कहूंगा कि केसीआई का सबसे बड़ा रोल रहा है इस ब्रीड को बर्बाद करने में, क्योंकि उन्होंने तो अपने पैसे बनाए हैं और अपने पैसे बना के वो साइड निकले हैं। आज भी ऐसे ही होता है और अच्छे लोग भी हैं वहां पे जो बैठे हैं जो और केसीआई को नहीं कहूंगा, सॉरी। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, केसीआई ने तो अपना काम किया है, मगर जो केसीआई के नीचे लोग काम करते हैं, जैसे आपके सिटी में, शहरों में जो इनके सेक्रेटरी हैं या जो इनके मेंबर हैं, जो ऊपर जाके सारी डिटेल्स पहुंचाते हैं, जैसे डिटेल पहुंचाते हैं, मतलब अगर सपोज हम कोई पेपर अप्लाई करते हैं तो उनका काम होता है कि जो पेपर अप्लाई किए हैं वो आके देखें और देख के आगे केसीआई को रिप्लाई करें कि जी ये जेन्युइन है या नहीं है। वो काम कहीं ना कहीं नहीं हुआ। ये ब्रीड खराब होने का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। इसमें हुआ क्या, जब आप ब्रीडिंग करते गए तो लोगों ने केसीआई में, मैंने ऐसा भी देखा है, ऐसे लोगों के पेपर भी आए हैं जिन लोगों ने कभी पेपर अप्लाई ही नहीं किए, सॉरी अप्लाई नहीं किए, मतलब केसीआई को अप्लाई किए पेपर, मगर उनके यहां बच्चे नहीं है और पेपर बनवा लिए और पेपर बेच दिए। आपको मैं फेसबुक पे और उस पे कितने लोग ऐसे दिखा सकता हूं जो ऑनलाइन पेपर बेच देते हैं अपने 200 400 500 रुपए में। वो पेपर जब कोई बंदा खरीदता है, दूसरे किसी डॉग पे लगा देता है कि ये हमारे डॉग के पेपर हैं। सपोज कोई फीमेल है या मेल है और उन दोनों को फिर कभी वो ब्रीड कराता है, उसको तो ब्लड लाइन का नहीं पता है। हो सकता है आगे जाके वो बहन के साथ ब्रीड हो गए हो या फिर मदर के साथ ब्रीड हो गए हो, सेम ब्लड लाइन आपस में ब्रीड हो गई हो, तो उससे क्या हुआ, जो जेनेटिक फॉल्ट हैं वो आगे आ गए। कुत्तों के हिप्स खराब हो गए, कुत्तों की बाइट खराब हो गई, कुत्तों में टेस्टिकल प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ी बात है कुत्तों कुत्तों में टेम्परामेंट का इश्यू आया, जिस वजह से लोगों ने ब्रीड को ये अवॉइड करना स्टार्ट किया। आज की डेट में कंडीशन ये हो गई है जर्मन शेफर्ड की कि
कि 3 साल के अंदर अंदर 4 साल के अंदर अंदर कुत्ते के हिप्स खराब हो जाते हैं। ऐसे डॉग्स के हिप्स खराब हो जाते हैं जो बिल्कुल वुल्फ था। जो ऐसे डॉग हैं जो अगर आज भी हम बात करें, जो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड है, जो ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड है, जिन पे काम यहां इंडिया में कम हुआ है, बाहर तो इन पे बहुत ज्यादा काम हुआ, आज वो आज भी बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग डॉग है। और मैं तो उन्हीं को ओरिजिनल डॉग मानता हूँ, और एक्चुअल में वही ओरिजिनल डॉग है। और दूसरे ये जर्मन शेफर्ड हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप के लिए डेवलप किए हैं, ब्यूटी के लिए, या हमें उस तरह का डॉग चाहिए था। हम अगर आज डॉग लेने जाते हैं तो जिनको नहीं पता तो वो कहते हैं जी पीछे से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसकी बैक बिल्कुल नीचे हो। ऐसे डॉग का आप क्या करोगे जिसके हिप्स बचपन में ही ऑलरेडी इतने वीक हैं, और फिर आप उसको बड़ा होके वो कितना खराब जाए, पैर आगे से बतख के जैसे पैर हो जाते हैं, मैं सीधी बिल्कुल लैंग्वेज बोलता हूं, आगे से ऐसे पैर हो जाते हैं जिनको पेस्टन बोलते हैं, बिल्कुल लूज पेस्टन हो जाते हैं। ये सारे ब्रीडिंग फॉल्ट है। फिर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि आपने जी टाइल्स पे कुत्तों को रख दिया होगा, आपने जो पत्थर होगा आपके घर उसने उस पे कुत्तों को रख दिया होगा, जिसकी वजह से कुत्ते खराब हुए। डॉग्स खराब होने की वजह से जो ओनरों ने रखे थे उनके एक्सपीरियंसेस खराब रहे। अगर कोई नया बंदा कोई और डॉग रखना चाहता है तो उसने उन्हें बताया कि भाई उस डॉग में ये प्रॉब्लम है, होती है जर्मन शेफर्ड में, आप ना रखो। तो ऐसे ऐसे इसकी पॉपुलरिटी थोड़ी कम हुई डॉग की। बट मैं आपको बता देता हूं, वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड के पपी आज भी आप देखो वो बिल्कुल हिप्स इतने बड़े बड़े और बिल्कुल स्ट्रांग डॉग आपको देखने को मिलेंगे जो ब्रीडर ब्रीड करते हैं। मैं भी करता हूं और भी काफी ब्रीड कर रहे हैं, मैं यही नहीं कहता मेरे डॉग और भी को। और शो लाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं जो आज भी बहुत अच्छी ब्रीड संभाल के रख रहे हैं, मगर वो उस पर उनकी मेहनत इतनी लगती है, उनके पैसे इतने लग जाते हैं कि लोग मार्केट में 15,000 रुपए का 10,000 रुपए का बच्चा खरीद बिक रहा है वो उसको ले लेते हैं, उनके पास जाते नहीं है वो बच्चा लेने क्योंकि उनका महंगा बच्चा है। यहाँ पे तो जो कहीं से भी कुछ भी उठा के लाया उसने ब्रीड किया और उसने आपको बेच दिया, उनको वो तो नहीं दे सकते, उनका तो खर्च इससे ज्यादा है, तो इसलिए ये ब्रीड यहाँ पे खराब हो गई। नहीं तो ये ऐसा एक कंप्लीट पैक था या कंप्लीट पैकेज था जर्मन शेफर्ड जो आपको किसी दूसरी ब्रीड की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो कभी भी आप जर्मन शेफर्ड लें, आप जो जर्मन शेफर्ड लवर्स हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप हमेशा जर्मन शेफर्ड अगर लेना चाहते हैं जर्मन शेफर्ड लें, वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड की तरफ मूव करें। हम खुद मैं खुद या मैं हमारा जो कैनल है या और भी काफी ब्रीडर्स हैं, मैं ये नहीं कहता और काफी ब्रीडर अच्छा काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ब्रीड प्रमोट कर रहे हैं जर्मन शेफर्ड को लेके, आप उन लोगों से बच्चे लें, आप कोशिश करें आप वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड की तरफ स्विच करें, आपके एक्सपीरियंसेस जो आपको जो चीजें आपको मिलेंगी जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत हाई लेवल का होगा, मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी से बता सकता हूं। इसमें जितनी डिजीज आई जर्मन शेफर्ड में वो सारा रोल उसमें लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग का रहा है, साइज बढ़ाने के लिए, कभी साइज कम करने के लिए, कभी एंगुलेशन बनाने के लिए। अभी तो लोगों में पता नहीं दिमाग में बैठा हुआ लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड ढूंढ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले आप केसीआई का उठा के देख लो, केसीआई इसको जर्मन शेफर्ड ही नहीं मानती थी, जर्मन शेफर्ड बैन किया हुआ था, लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड मार्केट में। आप केसीआई के शोज में अगर जाओ, केसीआई की भी मैं बात कर रहा हूं, केसीआई इसको केसीआई शो ही नहीं होते थे लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड, मगर आज ऐसा बना लिया है कि भाई केसीआई तो ये प्राइवेट संस्था, उनको तो पैसे चाहिए अपने, वो इनको रजिस्टर्ड करने लगे हैं, अब शो में भी लगने लगे, तो अब लोग लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड देख लेते हैं। मगर इतनी ज्यादा डिजीज, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स इन कुत्तों में होती है क्योंकि वर्किंग कैटेगरी का ब्रीड है। तो वर्किंग डॉग्स का कैटेगरी का ब्रीड अगर इतने इस तरह के बालों में इस तरह का भालू जैसा कुत्ता होगा तो वो क्या काम करेगा आपका? वो हर मौसम में परेशान रहेगा, वो गर्मियों में परेशान रहेगा, वो बारिश में परेशान रहेगा, बहुत ज्यादा सर्दियों में भी इनको, चलो ठीक है सर्दियों में तो लॉन्ग कोट है थोड़ा ठीक रहेगा, मगर सर्दी कितने दिन होती है? तो आप अच्छी ब्रीड रखें, जर्मन शेफर्ड की तरफ जाएं, जर्मन शेफर्ड एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको जर्मन शेफर्ड रखने हैं तो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड की तरफ जाएं, और आपके क्या एक्सपीरियंस आपके डॉग्स के साथ रहे हैं, कैसे टेम्परामेंट और कैसी चीजें, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं हमें। और ये वीडियो आपको कैसा लगे जरूर कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।